नमस्कार, बॉबी झा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। प्रणव ने बढ़ाई नागपुर की शान, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का मिला मान। नागपुर शहर के प्रणव बांडभुचे इन्होंने सोमवार की सुबह माउंट एवरेस्ट पहुंचने का गौरव हासिल किया। 14 सदस्यीय दल के साथ प्रणव ने 8,848 मीटर की ऊंचाई की चढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी की। इस दल में 7 पर्वतरोही और 7 शेरपा थे। तकनीकी दृष्टि से सबसे कठिन पर्वत शेनिम में शामिल हनुमान तिम्बा, माउंट देव तिम्बा, माउंट चितिधर और यूरोप की सर्वाधिक ऊंचे पर्वत अब्रू सर्वर पर भी प्रणव ने तिरंगा फहराया है। लालच देकर 10 लाख से ठगा। खामगांव शहर में असली सोने की गिन्नियां कम दाम में देने का प्रलोभ दिखाकर 3 लोगों ने नंदुरबार के एक व्यक्ति को 10 लाख रुपयों से ठगा। ठगिया ने जितेंद्र पाटिल को 2 असली सोने की गिन्नियां बताकर कम दाम में देने का प्रलोभन दिया। तय होने पर जितेंद्र ने राजू और उनके 2 साथियों दारू के साथ 15 मई को तहसील के अंतरजन शिवार में 10,50,000 रुपए देकर गिन्निया ली। इसके बाद जितेंद्र पाटिल ने गिन्निया जांची तब वह नकली निकली। कोपरसी जंगल में नक्सलियों के साथ मुठभेड़। भामरागढ़ तहसील के कोपरसी जंगल में सोमवार की रात पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसके बाद जवानों ने नक्सलियों की सामग्री जब्त की। मुठभेड़ के वक्त पुलिस का बढ़ता दबाव देख नक्सली घने जंगल में भाग गए। रविवार को नक्सलियों ने जिला बंद का आह्वान किया था। इस दौरान नक्सली पर्चे कई जगह बैनर भी पाए गए। बाइक एक्सीडेंट में नागपुर के युवक की मौत, 3 हुए घायल। चिमूर नागपुर मार्ग पर 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। यह हादसा सोमवार दोपहर कुटी मालेवाड़ा एरिया में हुआ। मृतका का नाम कुणकेश्वर निवासी नारायण गेड़ाम बताया जा रहा है। नारायण और उसका किराएदार स्वप्निल दोनों बाइक से चिमूर की ओर शादी समारोह में जा रहे थे। उसी समय मालगांव जा रहे राजेंद्र गायकवाड़ अपने बाइक से काम निपटा कर गांव जा रहे थे। उसी समय दोनों गाड़ियों की आमने सामने भिड़ंत हो गई और इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए और 1 की मौत बताई जा रही है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।